स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 प्लांट्स एज फूड। इन प्रीवियस चैप्टर वी लर्न ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है और फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स में से, राइट? सो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। Plants give us vegetables, fruits, cereals and pulses. जो plants है वो हमें क्या देता है? Vegetables देता है, fruits देता है, cereals देता है, pulses देता है। ये सब हमें plant में से मिलता है, right? So now, children, open your book, page number 36. ओके, लुक एट द पिक्चर। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। ओके, लुक एट द पिक्चर। उसमें जो दिख रहा है वो सभी एक प्रकार की वेजिटेबल्स है, सभी एक प्रकार के फ्रूट्स है? नो, राइट? तो वेजिटेबल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और वैसे ही फ्रूट्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ओके, नाउ रीड। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। हमारे ज़्यादातर हमें जो फूड है वो प्लांट्स में से मिलता है। ओके, नाउ लुक एट द शॉपिंग कार्ट given below and write the names of food item placed in it। Children, यहाँ पर shopping cart में different fruits है और vegetables है, उसे ध्यान से देखो और उसमें यहाँ पर जो blank fill up करनी है वो हम करेंगे। Okay? यहाँ पर क्या क्या vegetables है देखो इस picture में। ये क्या है? ब्रिंजल, ये है कैप्सिकम, ये गार्ड, ये टोमेटो, कॉलीफ्लावर, ये वेजिटेबल्स है। लेडीज फिंगर, यहाँ पर क्या है? लेडीज फिंगर। और इस तरफ है फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या है? ये है ग्रेप्स, एप्पल, बनाना, ये है वाटरमेलन। ओके, तो ये हुए वेजिटेबल्स और ये फ्रूट्स। ओके, तो यहाँ पर आपको ये साइड में दिख रहा है शॉपिंग कार्ट्स में जो जो है वो हमें यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिखना है, राइट? तो फर्स्ट है पटेटोज। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है पटेटोज। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, राइट? POTATOES, पटेटोज। सेकंड है टमेटोज। ये क्या है रेड कलर का? ये है टमेटोज। ये आपको पिक्चर में दिख रहा है टमेटोज। टमेटोज आर हमारी हेल्थ के लिए वो बहुत यूजफुल है, इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड में आपको लिखना है टमेटोज, TATOMATOES, टमेटोज। नेक्स्ट है वीट। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वीट, वीट यानी गेहूँ, जिसकी हम रोटी बनाते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीट। तो थर्ड में हमें क्या लिखना है? वीट, WHEAT, वीट। ओके, नेक्स्ट क्या है? राइस। ये आपको दिख रहा है ये है राइस, राइस
राइस तो हम खाते ही है, तो यहाँ पर फोर्थ में लिखना है राइस, आर आई सी ई, राइस। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, बनाना के बाजू में एप्पल, एप्पल, एप्पल तो आप लोगों को पता ही है, सबका फेवरेट फ्रूट है एप्पल। तो यहाँ पर फिफ्थ में लिखना है ए डबल पी एल ई एस, एप्पल्स। नेक्स्ट और लास्ट, लास्ट आपको ये शॉपिंग कार्ट में क्या दिख रहा है, बनाना, राइट। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बनाना। तो यहाँ पर सिक्स में हम क्या लिखेंगे, बनाना, बी ए एन ए एन ए एस, बनानास। तो देखा चिल्ड्रन, हम डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स ईट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स ईट करते हैं, वीट, राइस, ये पल्सीस, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें प्लांट्स में से मिलता है। ओके?